अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। RM कंप्यूटर सेंटर ताशिक कॉम्प्लेक्स लक्ष्मी नगर कॉलोनी महबूब नगर इंट्रोड्यूसिंग बेसिक कोर्स ऑन कंप्यूटर स्किल फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज MS वर्ड MS पावर पॉइंट नोट पैड इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग एडमिशन स्टार्टेड 3 May। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 9440248412 7989917044। लस्सी तलब अ हाउस ऑफ मिल्क शेक न्यू टाउन महबूब नगर। इनके यहाँ लजीज व जायकेदार हर किस्म के मिल्क शेक, लस्सी, स्मूदी, मॉकटेल, आइसक्रीम व दीगर अशिया दस्तियाब है। BRS पार्टी महबूब नगर के दफ्तर वाक़ न्यू टाउन में पार्लियामेंट इंतखाबात के ज़िमन में अखिलियतों के लिए खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ एम श्रीनिवास रेड्डी उम्मीदवार BRS हल्के पार्लियामेंट महबूब नगर अब्दुलरहमान मुजम्मिल साबिक़ा सदरनशीन ज़रई मार्केट कमेटी ने बहसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ा ज़रई मार्केट कमेटी चेयरमैन अब्दुलरहमान ने अपनी मुखातिबत में कहा कि कांग्रेस का ये समझना है कि मुसलमान कांग्रेस को एक तरफा वोट देंगे एक गलत फहमी के मज़दाक है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राय दहिंदे एक बड़ा हलका BRS पार्टी के साथ है और उन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस व BJP को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। स्टेज पे बैठे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब और हमारे MP कैंडिडेट माननीय श्रीनिवास रेड्डी साहब और स्टेज पे बैठे हमारे टाउन प्रेसिडेंट माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट कौशिक साहब, इमरान साहब, अजीत भाई, नईम भाई, अहमद भाई, प्रभाकर राव, शकील और साथ में भी बैठे जो भी मेरे मित्र लोग हैं और हाफिज इदरीस साहब और चंचले के साथ और मोहसिन खान साहब और बबुल साहब और सब सारे और साथ में भी बैठे। आज सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे ओनली मेन लोगों को बुलाया गया था, इसीलिए इतने लोग आए। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट यह है कि मुसलमानों का गुटा कांग्रेस पार्टी नहीं, मुसलमान BRS में भी है और दानिशवर मुसलमान, अच्छे मुसलमान जो तेलंगाना के बारे में सोच रहे हैं, जो इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग BRS पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या करी हमारे को पता करो। आज शेरवानी के अंदर जो इंडिपेंडेंस के अवसर मुसलमानों की फाइनेंशियल हालत क्या थी, आज क्या है। 2004 में जब UPA गवर्नमेंट बनी तो सचर कमेटी की रिपोर्ट डाले, डॉक्टर जस्टिस सचर को कमीशन डाले और बनाए, तो वहां पर जस्टिस सचर जो रिपोर्ट दी है ये दिए कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। ये फैक्ट है या नहीं है आप लोगों को सबको मालूम है? मालूम है ना। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, महिलाओं में डिस्कशन हुआ, बड़े लोगों के पास डिस्कशन हुआ, कहीं भी डिस्कशन हुआ, तो कांग्रेस के बारे में बोलना यही बोलना कि हमारी परेशानी की जो जिम्मेदार है कांग्रेस ही है, कुछ नहीं करी कांग्रेस। एक छोटा एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, 2014 तेलंगाना आने से पहले पूरे आंध्र प्रदेश में कितने माइनॉरिटी हॉस्टल्स थे, बोलो आप लोग, बोलो किसी को मालूम कितने हॉस्टल्स थे? 12, ओनली 12 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स थे। तेलंगाना आने के बाद, KCR साहब आने के बाद, एक सेक्युलर गवर्नमेंट आने के बाद, यहाँ पर मुसलमानों को कुछ करना, यहाँ के लोगों को कुछ करना, तो एजुकेशन देना इनको, ये लोगों को एजुकेशन देना होंगे। आज तेलंगाना में टिमरीज के कितने रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं आप लोगों को? 204 स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स पूरे तेलंगाना में। एक लाख 20,000 जो बजट है गवर्नमेंट का, जो बजट था जब सिर्फ 12 स्कूल थे और एक स्टूडेंट पे 20,000 खर्चा करते थे, 20,000 से 30,000 तक खर्चा करते थे। आज 204 स्कूल है रेजिडेंशियल स्कूल तेलंगाना में और एक स्टूडेंट के ऊपर, उनके खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, स्कूल ड्रेस से लेके, बुक से लेके, शूज से लेके, हर चीज से लेके 204 स्टूडेंट्स पे, एक एक स्टूडेंट पे 1,20,000 रुपए गवर्नमेंट जो है, तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR साहब की गवर्नमेंट खर्चा करी। ये फैक्ट नहीं है,
कांग्रेस पार्टी को काउंटर करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा? कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करी, आज वो बीजेपी पार्टी या सिर्फ अपने लगा है, मुझे मैं थोड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, आज जो इशू पे बीजेपी पार्टी और पूछ रही, 1992 में किसकी गवर्नमेंट थी, कौन सी विधान है बोलो, सोचो कौन सी विधान थी 1992 का जो इशू हुआ, कौन सी विधान थी? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, मुसलमान पूरे वोट डाल के जिताए थे, उसके बाद क्या हुआ? और इंडिया में आज तक पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 50,000 से ज्यादा दंगे हुए, फसादात हुए, दंगे फसादात में कौन मारेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मारेंगे, और कौन जिम्मेदार है इसका? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है इसकी, बहुत बड़ी सेक्युलर पार्टी अपने नाम को कहती है, लेकिन क्या हुआ? आज तक अभी बाजू कर्नाटक की गवर्नमेंट है, और इंडिया में कई जगह उनकी गवर्नमेंट थी, 70 साल से कभी इमाम मजदूरों के बारे में सोचे? इमाम मजदूरों को कभी कुछ रेस्पेक्ट दिए, कभी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए? यही हमारे केसीआर साहब है जो बैठ के कैबिनेट में सोच के इमाम मौसम को भी कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट देना, फाइनेंशियल हालत उनकी अच्छी नहीं है, उनकी दिए क्या? ये 2-3 पॉइंट्स हमारे क्या बताने को काफी नहीं है? मेडिकल सीट्स में 550 मुसलमानों को मेडिकल सीट देने के लिए गया है, और कई इश्यूज हैं। आप लोगों मेरे मेन माइंड बोलने का ये भी है कि टीआरएस पार्टी के मुसलमान लीडर जितने भी है, कार्यकर्ता जितने भी है, हम हर हर घर घर जाएंगे, हर घर जाएंगे, और बार 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 यही है कि मोदी आ जाता, मोदी आ जाता, वो डर रहे, मोदी से डरते क्या कोई? 10 साल मोदी का क्या करा? कुछ हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट थी, वहां पर रेवंत रेड्डी साहब बोलते बड़ा भाई है मोदी, मोदी को बड़ा भाई बोलते हैं, क्या छोटा भाई क्या कर रहा? किसी को दिया मिनिस्ट्री दिया, मुसलमानों को किसी को मिनिस्ट्री दिया, वो चढ़ चढ़ के आगे जाके इतना उतर डाल रहे, कभी मिनिस्ट्री दिया, कभी सुने कांग्रेस की गवर्नमेंट हो और कोई मुसलमान मिनिस्टर ना हो, और यहाँ के थोड़े लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, 100 डेज में इम्प्लीमेंटेशन कहीं को नहीं हुआ, बोले तो पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं। अरे भाई, जब पॉलिसी फ्रेम कर रहे थे तो एक मुसलमान आदमी को कैबिनेट में रखना था, मुसलमानों के इश्यूज डिस्कस करना था, मुसलमानों के लिए भी पॉलिसी फ्रेम करना था, तो जो बचपन से जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो फाउंडेशन डाल रही, फाइनेंशियल फाउंडेशन रख दो, स्कीम्स का फाउंडेशन रख दो, मुसलमानों को क्या दी? खाली धोखा मिला, कुछ नहीं मिला। आज भी जो कैबिनेट है खाली मुसलमान के वोटा बना, लेकिन मुसलमान ने जैसा कि मुसलमानों में जो दूसरा एक बेचैनी है एनआरसी और सीएए को ले, हमारी स्टेट गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट कैबिनेट में और असेंबली में बिल पास कर रहे कि सीएए और एनआरसी तेलंगाना में हम लोग लागू नहीं करेंगे, पास करी नहीं करी, बिल पास करी नहीं करी, तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और एक इशू है कि टीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस के जो एमपी है वो पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा था ट्रिपल तलाक के ऊपर, है ना, ये इशू बोल रहे ना, बोल रहे नहीं बोल रहे, डिस्कशन में पब्लिक में है नहीं है, कांग्रेस वाले यही बोल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जो है जब इशू बिल पास हो रहा था हमारे टीआरएस के एमपी जो है वॉकआउट कर दिए और सपोर्ट नहीं कर। मैं उसको ये काउंटर देना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आगरा में जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट आई, 25 में से 22 एमपी जीते होंगे, क्या वजह जीते हैं? हम लोग तो आगरा को स्पेशल स्टेटस लाते होंगे, जीते लाए, क्यों नहीं लाए? जगनमोहन रेड्डी साहब जीतने के 15 दिन के बाद वहां पर बोल दिए कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ब्रूट मेजोरिटी है, वहां पर हमारे जो बिल्स है वो पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये टर्म में पॉसिबल नहीं है, मोदी बोले। अगर तेलंगाना के जो एमपी है केसीआर साहब है, अगर सेंट्रल में जो बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, अगर हमारे वोट करने से अगर वो बिल गिरता, वो बिल रिजेक्ट होता, तो इंशाल्लाह मेरे को पूरी उम्मीद थी कि केसीआर साहब बोलते थे एमपी को कि उसके अगेंस्ट में वोट डालो, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में वोट डालो, लेकिन वहां पर ऐसी हालत नहीं थी, बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, ब्रूट मेजोरिटी थी, वो लोग जो है टीआरएस वाले आओ या मत आओ, दूसरे पार्टी से आओ या मत आओ, वो लोगों को साथ में नहीं लेके वो लोग वन साइडेड डिसीजन करें, हम कुछ भी नहीं कर सके सर। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट आने वाली है, ना बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है, ना कांग्रेस फॉर्म करने वाली है, यहाँ पर रीजनल पार्टीज डॉमिनेट करेंगे।
रीजनल पार्टीज जब डोमिनेट करेंगे इंशाल्लाह हमारे जो भी बिल्स है और हम टीआरएस पार्टी में है हमारे लीडर्स तक हमें बात पहुंचाएंगे कि कभी भी हर गवर्नमेंट आई और कोई भी बिल कोई भी जो मुस्लिम वालों को मेन डैमेज करने वाला बिल कुछ हो तो वो ऐसा बिल्स को सपोर्ट नहीं करेगी नहीं पास होने देगी। और हम लोग केसीआर साहब यहाँ पर महबूबनगर में आए थे बोले कि मैं बढ़ते करते सेक्युलर बनता कि एक बात जो तेलंगाना के लिए एजुकेशन करा जो तेलंगाना के लिए इतना काम करा जो तेलंगाना के लिए मरने के लिए तैयार हुआ था वैसा आदमी ये चौरस्ते पे ठहर के पूरे आवाम के सामने वादा करा कि मैं मरते दम तक सेक्युलर बनूंगा। तो वैसी पार्टी को हम लोग जिताना है और कांग्रेस पार्टी थर्ड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे भी बहुत दूर है। थोड़ा गलत कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाई थोड़ा गलत धक्का दिया और मामा निकल जा रहा है। अरे कैसे निकलते बाबा कैसे आते बहुत दूर है कोई भी नहीं कर रहा हम लोग आज मुसलमान हमको थोड़े देर हमको पकड़ के बेवकूफ बना रहे कांग्रेस पार्टी को टीआरएस पार्टी क्या हमेशा कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को ठोकेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान अपने अपने एरियाज में जाए ठंडे दिमाग से सोचे मैं जो भी बोला और मैं 100% कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। जब टीआरएस पार्टी जीतेगी एमपी साहब जीतेंगे यहाँ पर साथ के साथ एमएलए कांग्रेस के हैं हमारे पास एक एमपी रहेगा जिसको हम लेकर लड़ेंगे। अगर कोई मुसलमानों का भी इशू होगा तो एमपी साहब के पास जाएंगे बैठेंगे और उनका सपोर्ट लेंगे और एक सिटिंग एमपी को लेकर हम जो है जो भी काम करना है इंशाल्लाह पूरे कैडर को करेंगे। नेक्स्ट मैं लोकल में इश्यूज ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर जितने भी जने आए बहुत सारे जने अपने अपने एरियाज में काउंसलर एस्पिरेंट्स हैं। लोकल बॉडी का इलेक्शन आता तो काउंसलर्स के लिए उसके लिए इसके लिए आप लोग एस्पिरेंट्स हैं। पार्टी जो है एमपी इलेक्शन में जो भी अच्छा काम करेंगे जो भी एरिया से ज्यादा वोट आएंगे जो भी एरिया से जो भी अपनी जिम्मेदारी लेंगे यहाँ पर चैलेंज लेंगे कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लीड देगा मेजोरिटी देगा कार को तो आने वाले दिनों में मैं और हमारे सारे सीनियर लीडर सब मिलकर एमएलए साहब से लड़ेंगे लड़के आप लोगों को टिकट दिलाएंगे आप लोगों के लिए कैंपसिंग करेंगे जैसा आज आप पार्टी के लिए आए और एमपी साहब के लिए कर रहे हैं एमपी साहब के लिए कर रहे हैं तो पार्टी मजबूत हो रही हम भी आप लोगों के लिए आएंगे आप लोगों के लिए कैंपसिंग करेंगे और विटामिन ए की बात वोट एंड भी कुछ करेंगे आप लोगों के साथ रहेंगे और गली गली फिर के आप सबको जो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी जिसको जिसको टिकट दी आपको पार्टी के कांटे को जिताएंगे और पूरी गली गली फिरेंगे। और एक बात और किसी से डरने की जरूरत नहीं है ऑपोजिशन में है उनके डरने की जरूरत नहीं है लीडर की काबिलियत लीडर की खूबसूरत लीडर का जो लीडर पर है सब उभरता ऑपोजिशन में तो ऑपोजिशन के लिए तैयार रहिए 10 साल रूलिंग में है आज ऑपोजिशन भी करेंगे और अच्छा ऑपोजिशन करेंगे कौन के भी कुछ इश्यूज है तो उठाएंगे बराबर उठाएंगे। अभी क्या है थोड़े दिन से नई नई गवर्नमेंट है मतलब कुछ बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको टाइम देना कुछ भी बोले तो ये बोलते 10 साल तुम लोग थे ना भाई अभी थोड़ा हमारे को टाइम दो तो अभी थोड़ा टाइम दिए अब बहुत टाइम हो गया 100 डेज हो गया अब अपन लोगों जो है जो भी इश्यूज है भाइयों में एरिया में स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज है बात करेंगे उठाएंगे और काम करेंगे आप हम सब मिलकर काम करेंगे और कोई पुलिस स्टेशन से डरने की जरूरत नहीं है कोई पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है और कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आया तो पार्टी साथ में रहेंगी और एमएलए साहब श्रीनिवास गौड़ साहब को लेंगे एमपी साहब को लेंगे सब जगह मिलकर काम करेंगे और हमारी पार्टी मजबूत रहेगी इंशाल्लाह। जब आने वाले दिनों में हमारी पार्टी जब पावर में आएगी इंशाल्लाह जरूर आएगी पावर में मैं उम्मीद नहीं करूँ ये 5 साल चलती गवर्नमेंट जरूर जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो जो लोग आज हमारे साथ ठहरे जो लोग आज हमारे साथ रहे उनको 100% उनके हिसाब से उनके काबिलियत के हिसाब से आगे पोस्ट दिया जाएगा पार्टी में कुछ इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और जो भी गलतियां पास्ट में हुए वो गलतियां नहीं हुए जैसा और आगे अच्छा रहे जैसा काम करेंगे। और अभी भी कांग्रेस पार्टी को जो अपने काउंसलर चले गए जो पुराने जो काउंसलर चले गए वो लोगों से बहुत परेशान है उन लोगों की जो कांग्रेस के पुराने एमएलए को काम कर रहे थे वहां पर भी बहुत डिस्टर्बेंस है लिहाजा उनको भी अच्छा गिफ्ट मिला अपने तरफ से पर डरने की बात नहीं है आप लोग सब काम करिए मैं यही ही बोलना चाह रहा हूँ कॉन्फिडेंट रहिए मेहनत में जाइए आपके आपके ग्रुप को अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।